सब्सक्राइब कीजिए जड़ी बूटी परिचय चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक देसी जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जड़ी बूटी परिचय चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको एक और वन औषधि के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है मोरिंगा गोंद। दोस्तों इसको सहजन के गोंद के नाम से भी जानते हैं और भी कई सारे इसके नाम हैं जैसे मानकचा, शाक पत्थर और इसको बंगाली में मोरंगा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग इलाकों के हिसाब से इसके कई सारे नाम होते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। दोस्तों यह जो मोरिंगा गोंद होता है, सहजन का गोंद होता है, यह जो इसका जो प्रयोग किया जाता है जोड़ों के दर्द में प्रयोग किया जाता है और भी इसके कई सारे प्रयोग हैं आगे बताएंगे। उससे पहले इसके स्वभाव के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसका स्वभाव गर्म व खुश्क होता है दूसरे दर्जे में और ये काफ़ी सारे रोगों में काम करता है, विशेषकर जोड़ों के दर्द, कमजोरी में और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको बढ़ाने में एक मदद करता है। इसके अलावा पेट रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सहजन का जो पेड़ होता है उसके सारी चीज़ें काम में ली जाती है, गोंद उसका प्रयोग होता है, इसके अलावा छाल भी प्रयोग होती है सहजन की छाल, इसके अलावा फूल पत्ते जड़ तना सब कुछ उसका प्रयोग किया जाता है औषधीय रूप से और काफ़ी प्रभावशाली औषधि होती है कई सारे रोगों को नष्ट करने के लिए। उनकी छाल और उनका जो पेड़ का वो और तना का जो भाग होता है उसका प्रयोग हम आपको आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे इसी चैनल के माध्यम से। आज हम आपको इसके गोंद के बारे में बताते हैं। दोस्तों इसकी जो मात्रा होती है 1 से 5 ग्राम तक आप इसको ले सकते हैं। ये आयु रोग के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसका जो लेने का तरीका होता है इसको आप पानी में डाल करके छोड़ दीजिए, थोड़ी देर में इसका पानी जो होता है वो बिल्कुल पानी में मिक्स हो जाएगा, उसको कपड़े से छान करके दूध में उबाल करके आप इसको ले सकते हैं। ये इसका लेने का तरीका होता है। यह आपके पेट से संबंधित रोग में काम करेगा, इसके अलावा शुगर में काम करता है, इसके अलावा यह आपके जोड़ों के दर्द में काम करता है। जितने प्रकार के गोंद होते हैं वे पौष्टिक होते हैं और यह आपकी शारीरिक कमजोरी को भी दूर करते हैं। तो यह थी जानकारी मोरिंगा गोंद, सहजन के गोंद के बारे में। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। ऐसे ही और जानकारी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।